नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये देखिए मेरे दो प्लूमेरिया के प्लांट्स हैं और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट ये बना हुआ है। और ये वाला प्लांट तो मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है और ये देसी वेराइटी का है और रेड कलर का प्लूमेरिया है। और यहाँ पर ये है, थोड़ी सी हाइब्रिड है ये। और ये देखिए इसके फूल देखिए, और इनके फूलों की साइज़ थोड़ी सी छोटी होने लगी है अभी। और यहाँ पर देखिए ये एक स्टॉक निकला हुआ है और यहाँ पर एक स्टॉक निकला हुआ है और ये वाला ख़त्म हो रहा है अभी। ये देखिए ये वाला स्टॉक। तो ये देखिए आप कितने बड़े प्लांट बन गया है या कितना बड़ा। और ये वाला प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रोथ पर है, पर देखिए मैंने एक दिन थोड़ी सी कम पानी दिया था और ये प्लांट बिल्कुल जल गया है। इतनी ज़्यादा धूप हुई कि बहुत ही नरम नरम न्यू लीव्स थे वो जलकर ख़राब हो गए। ये वाला प्लांट देखिए, ये वाला पत्ता देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे जला हुआ है। और यहाँ पर मैंने नीचे टोरेनिया प्लांट्स को लगा रखा था। ये देखिए दोनों प्लांट में टोरेनिया के प्लांट्स लगा रखा था। आज सुबह ही मैंने इनको निकाल कर बाहर फेंक दिया क्योंकि वो प्लांट्स भी बहुत सारे हो गए थे और इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा होने चली थी। तो दोस्तों जब भी हम मल्चिंग करते हैं तो प्लांट्स को चुनते वक्त थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी दूसरे प्लांट्स की भी तो फिर जो मेन प्लांट है वो फिर खतरे में आ सकता है, उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये जो प्लांट्स थे टोरेनिया के प्लांट्स थे, दिखते तो बहुत खूबसूरत थे पर पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने चली थी, तो मैंने ये प्लांट्स को बिल्कुल निकाल ही दिया है। और देखिए दूसरे प्लांट्स लगे होने के कारण इनके न्यूट्रिशन भी थोड़ी सी कम हो गई होगी, तो आज मैं इनमें थोड़ी सी खाद भी अप्लाई करूँगी। आप देखते रहिए और वीडियो को दोस्तों पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, थोड़ी सी हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं इनमें खाद देने वाली हूँ, मिट्टी में जो खाद देने वाली हूँ वो ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक खाद है, बिल्कुल प्योरली ऑर्गेनिक है। और ये देखिए मैंने ले ली है यहाँ पर, ये है वर्मी कंपोस्ट और इसे मैं दो दो मुट्ठी के हिसाब से दो प्लांटर के लिए लिए है। और यहाँ पर ये दो चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट और यहाँ पर दो चम्मच नीम खली, और ये सारे मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। पहले तो अच्छी तरह से मिला लेंगे, हाथ से ही मिलाना ठीक रहेगा। और देखिए अच्छी तरह से प्लांटर में ये जो खाद है इसको हम मिला लेंगे और फिर प्लांटर में दे देंगे। दोस्तों ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है तो इसे मिट्टी में देना बहुत अच्छा होता है, इससे पीएच लेवल मिट्टी का कुछ ख़राब नहीं होता, अलग नहीं होता। तो ये देखिए दोस्तों पहले ये थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेंगे प्लांटर को। कितने सारे रूट्स हैं आप देख सकते हैं, कुछ तो टर्निया की प्लांट की रूट को निकालते वक्त टूट गए थे और कुछ टर्निया प्लांट के भी हैं रूट्स, पर उनके रूट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, गुच्छे वाला होता है जैसे विंटर प्लांट्स की होते हैं उसी तरह से। और ये देखिए मैंने ये जो मिट्टी है सारे ये देखिए स्टेम की तरफ चढ़ा दिए है ताकि मैं गमले के किनारे किनारे ये जो खाद है मैं इनको दे सकूं। दूसरी प्लांट की भी ऐसे ही कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, और सुबह पानी दिया था, अभी भी मिट्टी मॉइस्ट है। इस तरह का मिट्टी मॉइस्ट रहना चाहिए हमेशा। ये मैंने प्लांट्स को निकाल लिए तो ज़्यादा पानी खर्च नहीं हुआ, ये प्लांट नहीं लिया। ये देखिए दोस्तों ये प्लांट को मैंने अभी ही लगाया है, बहुत दिन नहीं हुआ ये प्लांट को लगाए हुए। किसी सब्सक्राइबर ने भी मुझे बताया था कि इसकी ये जो प्लूमेरिया के प्लांट्स हैं
इनकी केयर के बारे में और एक वीडियो बनाएं, तो अगर उन्होंने देख रहे होंगे तो आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये किनारे किनारे जो खाद है इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए ये हो गया, और ये जो मिट्टी चढ़ाया है इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे। ये देखिए, तो एक डेढ़ महीने के लिए इसको और खाद की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, ये प्लांट की मैंने अच्छी तरह से मिट्टी को ढक दिया है। और ये रही दूसरी प्लांट, इसे मैं पूरा डाल देती हूँ, फिर चारों तरफ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हो गया। तो ये जो मिट्टी है इसको फिर हम फैला देंगे चारों तरफ, ताकि ये जो खाद दी है हमने वो ढक जाए। ये देखिए, जब हम पानी देंगे तो फिर ये पानी के साथ फिर खुलता रहेगा। अभी हम इसके ऊपर एक लिक्विड खाद का अप्लाई करेंगे, और एक नहीं दो है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। तो प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो देखते हैं मैं लिक्विड में क्या लेती हूँ। दोस्तों, लिक्विड के लिए, लिक्विड खाद बनाने के लिए मैंने ये पानी ले ली है। ये करीबन 3 लीटर का पानी है, और ये 4 लीटर का बकेट है, तो 3 लीटर पानी है इनमें। और इसमें मैं दे रही हूँ, ये देखिए, एनपीके 19:19:19। तो ये दोस्तों थोड़ा सा गीला हो गया है, तो इसलिए मैं लिक्विड फॉर्म में इसको दे रही हूँ, नहीं तो फिर किसी मिट्टी में एक ही जगह रह जाता है ये। तो इसके लिए मैंने ये लिक्विड फॉर्म में दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये दो प्लांटर के लिए है, बहुत बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट है इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ली है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ली है मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम्बी 2 उत्कर्ष कंपनी का। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और ये मिट्टी में बिल्कुल अच्छा असर दिखाता है, और पानी में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये देखिए, बहुत आसानी से ये घुल जाता है पानी में। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से पानी में मिलाने के बाद हम इसको पानी को हम प्लांट में यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया। तो हर प्लांटर में एक एक मग, यानी कि 1 लीटर की करीब, 1 लीटर से थोड़े से ज़्यादा इनमें मैं दूंगी। ये देखिए, और 1 लीटर पानी बच जाएगा, वो मैं दूसरे प्लांट में दे दूंगी। तो दोस्तों, दोनों प्लांट को मैंने फर्टिलाइजर दे दिया है। अभी इनमें ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ तो अच्छी है, पर इनकी जो फ्लावरिंग की साइज है ये थोड़ी सी अभी बड़ी होगी, और जो हेल्दी फ्लावर्स निकलेंगे फिर। यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक्स भी बहुत अच्छी निकली है। ये वाला देखिए, यहाँ पर एक फूल टूट गया है, इसलिए यहाँ से वाइट सैफ निकल आया है। और इसमें अभी बर्ड्स नहीं आए हैं, स्टॉक्स नहीं निकले हैं, तो होपफुली जल्दी ही निकलेंगे। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।